तो हमसे कहा गया इन वांडरवाल्स इक्वेशन फाइंड द डाइमेंशंस ऑफ कांस्टेंट ए एंड बी। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, हमको ए का डाइमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है और बी का डाइमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है, जबकि बाकी चीजें जो बेसिक हैं वही दी गई हैं। जैसे पी क्या है, प्रेशर होता है। इस इक्वेशन को जब पढ़ोगे तो वहां पे आप समझ जाओगे कि ये प्रेशर है। वी क्या है, वी वॉल्यूम है, तो चाहे कोई भी वी हो ये भी वी वॉल्यूम है यहां पे। आर क्या है, आर इज ए गैस कॉन्स्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। टी क्या है उसका, टेम्परेचर गैस का। ठीक है, हमको ए और बी की डायमेंशंस को फाइंड करना है। अब सोचिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम इसको देख लेते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर एडेड आर सब्ट्रैक्टेड देन दे कंटेन सेम डायमेंशनल फार्मूला। मतलब हर पार्ट का डायमेंशनल फार्मूला सेम होने का मतलब क्या है कि अगर दो चीजें ऐड हो रही हैं तो इनका डायमेंशनल फार्मूला आपस में सेम, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हैं तो इनका भी डायमेंशनल फार्मूला आपस में सेम। इसका मतलब यह हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में लिख दिया, मतलब डायमेंशनल फार्मूला इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी। आप इसको लिख भी सकते हैं यहां पे, क्या डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर। देखो ये क्यों क्यों इसके बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में ऐड हो रहे हैं और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है जितने भी टर्म है सबके डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए अपॉन वी स्क्वायर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ पी। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए एक आपको चाहिए डायमेंशनल फार्मूला, तो ए एक तरफ कीजिए, ये वी स्क्वायर नीचे है उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बचेगा पी वी स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब सारी डायमेंशन पुट कर दीजिए, तो ए का डायमेंशन कैसे निकलेगा, पी का डायमेंशनल फार्मूला। अब पी का क्या होता है बच्चों, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। भाई प्रेशर का क्या डायमेंशनल फार्मूला होता है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। वी क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का हम लोगों ने क्या निकाला बच्चों, एल क्यूब से। तो ए का डायमेंशनल फार्मूला बराबर आ जाएगा एम, ठीक है, एल की पावर सिक्स और ए माइनस वन, तो कितना बचेगा फाइव, तो ये बचेगा एम एल की पावर फाइव टी की पावर माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए। और क्या निकालना था बच्चों, बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना था, उसको हम कैसे कर सकते हैं सोचिए जरा। तो आपको क्या दिख रहा है कि दो ये फिजिकल क्वांटिटी आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही है, और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है, अगर दो फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती हैं या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो उनके डायमेंशनल फार्मूले क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसका मतलब इन दोनों के डायमेंशनल फार्मूले क्या होंगे, सेम होंगे। इसका मतलब डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी। तो बी का डायमेंशनल फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा, वी के, और वी कितना है बच्चों, एल क्यूब। तो इसका मतलब बी का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो एल क्यूब के भी बराबर होगा। ठीक है, आप इस इक्वेशन को भी एक बार चेक कीजिएगा, देखिएगा, देखना क्या है, जैसे ये डिस्टेंस है इधर की डायमेंशन देखो क्या आ रही थी एल, ये यू टी, तो यू क्या थी वेलोसिटी एल टी माइनस वन, टी का टी मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, इसका भी डायमेंशन देखो एल मिल गया। ऐसे ए टी स्क्वायर इसका एसलेशन का क्या था एल टी माइनस टू, भाई ए एसलेशन है उसके डायमेंशन रख दिया, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो कितना मिलेगा, ये एल मिलेगा। तो हर टर्म का डायमेंशन क्या था, सेम था। इसका मतलब जो भी आप फार्मूले इस तरह के पढ़ेंगे उसमें हर टर्म का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है।